मॉर्निंग बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की प्राइमरी लेवल की इंग्लिश टीम के सभी सदस्यों की मदद से मैं शालिनी कुशवाहा सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको वर्ड फॉर्मेशन के डिफरेंट साउंड से परिचित कराती हूँ। डे 10। हेलो बच्चों, तो देखा आपने, हम आज 10वें दिन पर पहुंच गए हैं। 10वां दिन मतलब कि हमने बहुत सारा पढ़ा पहले, और उस बहुत सारे की शुरुआत हमने कहाँ से की थी? वर्ड फॉर्मेशन से। वर्ड फॉर्मेशन जिसमें हमने सबसे पहले ए बी सी डी, जैसे हम हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, आ आ ई ई उ उ सब कुछ पढ़ते हैं, वैसे ही हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़ा। फिर उसके बाद वॉवल साउंड्स पढ़े, तो हमने ये शुरुआत शीट क्रमांक 1 से की थी, और उसके बाद शीट क्रमांक 2 जहाँ हमने यूज ऑफ वॉवल्स पढ़ा, है ना। यूज ऑफ वॉवल में ए, जो सबसे पहला वॉवल है हमारा ए है, उसका कैसा साउंड है, जो आ का साउंड भी देता है, ए का साउंड भी देता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हम हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। तो वॉवल साउंड में ए, जैसे बैट, बॉल, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़े कि जिसमें ए साउंड भी आ जाता है और आ साउंड भी आ जाता है। इसके बाद हमारी आती है शीट 3। शीट 3 में हमने वॉवल साउंड ई पढ़ा, जिसमें ए अ दोनों का साउंड आता है, तो उसे भी हमने पढ़ा और पढ़ के हमने देखा, जिसमें ज़्यादातर हमने ए के साउंड्स पढ़े और ये देखा कि कैसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से ये साउंड करता है। इसके बाद हमारे पास आता है शीट क्रमांक 4, जिसमें हमने आई पढ़ा। कहाँ से कहाँ तक शुरू किया, पहले ए, फिर ई, फिर चौथे दिन हमने आई पढ़ा, फिर पांचवें दिन हमने वॉवल साउंड ओ पढ़ा, है ना, जिसमें ओ भी आता है, ओ भी आता है। और नेक्स्ट डे जो शीट क्रमांक हमारी 6 है, उसमें हमने वॉवल साउंड यू पढ़ा, जिसमें अ और उ दोनों का साउंड निकलता है। और 7वें दिन हमने पढ़ा साउंड ऑफ टू वॉवल्स टुगेदर, जिसमें जैसे ओ और ए साथ में दिया हुआ है तो तब भी वो ओ बन जाता है ना। जैसे कोट था तो सी ओ ए टी, दोनों का मिला के साउंड जो बनता है वो ओ बन जाता है। तो साउंड ऑफ टू वॉवल्स टुगेदर पढ़ा 7वें दिन। फिर 8वें दिन हमने लॉन्ग ई वर्ड्स पढ़े, लॉन्ग ई वर्ड्स जिसमें कि साउंड जो है वो बड़ी ई, मतलब लॉन्ग ई का निकलता है, और इसमें भी डबल साउंड, जैसे आई ई, है ना, फील्ड, पीस, इस तरह के वर्ड्स पढ़े, जैसे पीस में भी पी आई ई सी ई और पी ई ए सी ई, पीस, दोनों का साउंड डबल साउंड इसमें भी पढ़ा 8वीं शीट में। और जो 9th शीट थी हमारी, उसमें साउंड्स ऑफ टू एडजेसेंट कॉन्सोनेंट्स, जिसमें जैसे कि बी एच सी एच, ये जो दो एडजेसेंट का मतलब था एक साथ, जो तुरंत तुरंत हो, तो इस तरह से पढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं हमारी शीट नंबर 10 पर। और हम आज शीट नंबर 10 में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। वर्ड फॉर्मेशन तो है, हम पढ़ तो यहाँ पर भी वर्ड फॉर्मेशन ही रहे हैं, और आज इसका कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के जो डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शीट, शीट नंबर 10। तो वर्ड फॉर्मेशन में देखिए, अभी आपके सामने ये लाइन दे रखी है, सम वॉवल्स चेंज द ओरिजिनल साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। कुछ वॉवल्स जो होते हैं वो जो सही में किसी चीज का, जैसे कोई साउंड होता है ना, तो उस साउंड को बदल देते हैं। जैसे अगर वो आ गया, वो वाला वॉवल आ गया, तो किसी कॉन्सोनेंट का साउंड
अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और इसमें हम आज स्पेशली पढ़ेंगे सी, एक तो ये सी है और दूसरा हम पढ़ेंगे जी। आपने अब तक के जब रीडिंग की होगी तो आपने देखा होगा सी कहीं कहीं किससे निकलता है, का से, है ना, और कहीं कहीं सा बन जाता है। तो ये क्या हुआ, कभी का निकला कभी सा निकला, ऐसे कैसे हो जाता है? यही तो पढ़ना है आज हमें, इसी पर तो बात करनी है आज हमें, है ना। तो ऐसे नहीं, पूरी बात जानेंगे, पूरी बात को समझेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फिर वही एग्जाम्पल सी का ही लिया है, ठीक बच्चों। तो सी में देखो, सी का सामान्य तौर पर उच्चारण का निकलता है ना। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि सीएटी कैट का निकला, क्योंकि सी पहले लगा हुआ है। उसी प्रकार COW काओ, काओ इसमें भी का है, देखिए यहाँ पर भी का, यहाँ पर भी का, और CAKE केक, केक में भी का। लेकिन यदि किसी शब्द में, अब आपको बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए, किसी शब्द में ई, सी के तुरंत बाद ई आ जाता है, आई आ जाता है या वाई आ जाता है, याद करने वाली बात है बच्चों, ई आई और वाई, अगर ये तीनों आ जाते हैं तो सी, जो हमारा वो सी है ना, उसके तुरंत बाद जब ये आ जाते हैं तो पता ही क्या बन जाता है, वो का नहीं बनता, अब वो बन जाता है सा। कैसे बताएं आपको, आइए देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम ये देखेंगे CITY। अब हम इसे किटी थोड़ी पढ़ेंगे, अब हम इसे पढ़ेंगे सिटी। यहाँ पर सी के बाद तुरंत बाद आई आया है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, सिटी। इसी तरह देखिए FANCY, अब ये सी के बाद वाई आया है तो ये फैंसी बन गया, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। सी के तुरंत बाद वाई आया तो वो फिर से सा का साउंड दे रहा है, फैंसी। फैंकी नहीं बोलना है आपको, फैंसी। इसी तरह देखिए CYCLE, साइकिल। अब इसमें तो आपको दोनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सी के तुरंत बाद क्योंकि वाई आया तो सा बन गया साई, साई, है ना, साई। लेकिन CLE, यहां पर देखिए इस सी के बाद तो ना आई आया ना ई आया ना वाई आया, तो ये साइकिल, साइकिल, है ना। वैसे साइकिल लिखते हैं हिंदी में, पर बोलते हैं साइकिल, हम, मेरी ये साइकिल है। तो इस तरह से आपने ये देखा, इस यहाँ पर सी का साउंड भी मिल गया आपको, सा साउंड भी मिल गया। और जो शर्त है वो वही है कि अगर सी के तुरंत बाद आई ई या फिर वाई आएगा तो सा बनेगा, और नहीं तो क्या बनेगा, आपका का बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल गई। इसी तरह ये देखिए CI, साई, CI, साई बनता है, लेकिन इसके हिसाब से देखते हैं CIRCUS, सर, हम अब इसे साई नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे सर। और देखिए सी के बाद यू आया है तो सर कस, यहाँ वाले का तो सा होगा और यहाँ वाले का होगा, तो इसका जो प्रोनंसिएशन है वो सर्कस है, इसका उच्चारण सर्कस होगा। तो आइए ये लाइन क्या लिखी हुई है इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पहले सी के बाद आई है, अतः स्वर सा निकल रहा है, और दूसरे सी के बाद यू है तो स्वर का निकल रहा है। आपने देखा कैसे बदल जाता है साउंड, अगर आपके सी के बाद ई है, आई है, वाई है तो सा निकलेगा, और कुछ है तो का निकलेगा। तो और एग्जाम्पल्स देख लें, चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी आपके पास और भी एग्जाम्पल्स है, सीमेंट है ना, CEMENT,
CEILING, सीलिंग। तो इस तरह से आपके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरह जी का मूल स्वर गा है। मूल स्वर का मतलब जी को हम गा से ही जानते हैं, जैसे GOAT, गोट। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, गा बोला। जैसे GUN, गन, है ना, GOAT, गोट। यहाँ पर गोट होना चाहिए, GOAT, गोट, गोट। ये थोड़ी सी मिस्टेक है। GATE, गेट, है ना, ये यहाँ पर GATE, गेट हो गया। इसी तरह GIRL, गर्ल भी हो सकता है, गर्ल, है ना। लेकिन जी के तुरंत बाद अगर GIEIY में से कोई भी लेटर आ जाए तो जी का स्वर जा निकलेगा। लेकिन अभी अभी तो मैंने बताया आपको कि एक उसके अंदर एक ऐसा शब्द है GIRL, गर्ल, जिसमें गा ही निकलता है। उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे ये देखेंगे कि और कौन कौन से शब्द हैं, जैसे GEM, अब गेम नहीं होगा, ये हो जाएगा जिम। GIANT, जाइंट। GYM, जिम। GORGEOUS, गॉर्जियस। PIGEON, पिजन। GIST, जिस्ट। ENGINE, इंजन। तो इन सभी में आपने देखा कि जी के बाद क्या निकल रहा है, क्या आ रहा है, आई या फिर ई, तो ये सब जा बन जाते हैं। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, GIRL, गर्ल। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके बाद जी का गा ही साउंड निकलता है, जबकि इसमें आई लगा हुआ है। तो कुछ कुछ अपवाद होते हैं, तो हम इसको अपवाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है एक्सरसाइज MERCY। अब यहाँ पर लिख देंगे मर्सी, DECEI, यहाँ पर EIVE, डिसीव। यहाँ पर सी का सा साउंड निकल रहा है, PIGE। अब यहाँ पर ई लिख दोगे आप तो यहाँ पर पिजन हो जाएगा, GERMAN, जर्मन। ORANGE, ऑरेंज। और GERM, जर्म, जर्म्स होते हैं ना वो, GERM, जर्म। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि कब आपको सी का बोलना है और सी का सा बोलना है, और कब आपको जी का गा बोलना है और जी का ही जा बोलना है। तो इस तरह से आज आपकी जो ग्रामर, आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पर, एक और पोर्शन होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ तो मुझे इतनी पसंद है, तो इसीलिए जितनी पसंद है उतनी ही ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मुझे कहानियाँ मिले और मैं पढ़ूँ। तो चलिए पढ़ते, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Once a magician, a magician कौन होता है, जो मैजिक करता है। मैजिक कौन करता है, जादू कौन करता है, जादूगर। तो एक जादूगर was returning home, अपने घर को, returning का मतलब होता है लौटना, अपने घर को लौट रहा था। पूरे का पढ़ते, Once a magician was returning home, एक बार एक magician घर लौट रहा था। All of a sudden का मतलब होता है अचानक से, बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं था, अचानक क्या हो गया। It began to rain heavily, अचानक से एकदम से बारिश आ गई। आप देखते हो ना कि अभी स्कूल में बैठे हैं हम सभी और अभी धूप निकली थी और तभी तड़ 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 बड़ी बड़ी बूंदे, अरे ये क्या हुआ, बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। तो वैसे ही अचानक से बारिश आ गई। He ran towards a fir tree,
फर मतलब होता है एक पेड़ का नाम, एक फर ट्री होता है फर का पेड़। टू टेक शेल्टर, कहाँ पहुंच गया वो शेल्टर लेने, अपने आश्रय लेने वो एक फर ट्री के नीचे पहुंच गया। वो फर ट्री की तरफ दौड़ा, मतलब कि उसकी तरफ भागा। द मैजिशियन सेट टू द फर ट्री, द मैजिशियन सेट टू द ट्री, मैजिशियन ने ट्री को कहा, किस क्या कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, यू हैव बीन काइंड टू मी, आप मेरे ऊपर कितने क्या हुए, काइंड, दयालु हुए, है ना, आप बहुत दयालु हुए, क्योंकि फर ट्री ने उसे बारिश से बचा लिया होगा, यही हुआ होगा ना। अगर हम इस कहानी को मन में सोचें तो यही हुआ होगा। थैंक यू क्यों बोलते हैं हम किसी को, थैंक यू हम इसलिए बोलते हैं कि किसी ने हमारी मदद की, तो उस फर ट्री ने मैजिशियन की मदद कर दी होगी, तो उन्होंने उसको थैंक यू बोल दिया, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आप मेरे ऊपर बहुत दयालु हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। मैजिशियन ने, जादूगर ने उस फायर ट्री को कहा कि मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर योर विशेस, एक काम करिए, आप एक अपनी एक विश के बारे में, विश मतलब कोई भी इच्छा, आस्क फॉर योर विशेस, अपनी कोई भी एक विश, अपनी एक कोई भी इच्छा बताइए। आई विल ग्रांट देम, और मैं उसको ग्रांट करूँगा, मतलब उसको पूरी करूँगा, पूरी तरह से आपको वो विश आपकी पूरी होगी। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स, उस फर ट्री की जो लीव्स थी, लीव्स बताइए, लीव्स पत्तियां, वेरी गुड, उस फर ट्री की जो पत्तियां थी वो किसकी थी, नीडल सुई, यस बच्चों, उस फर ट्री की पत्तियां सुई की तरह थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट, और कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी उस पर अपना घोंसला कभी नहीं बनाती थी। इससे वो बेचारा दुखी था, तो उसने क्या किया, क्या मांगा होगा, आइए देखते हैं, कहानी तो अभी बाकी है। सो इट सेड, इसलिए उसने कहा, सो इट सेड, इसलिए उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, उसने कहा काश, आई विश मतलब मेरी बड़ी इच्छा है, काश मेरे पास भी इतनी ही सुंदर सुंदर दम हरी हरी पत्तियां होती जैसे मेरे दोस्तों के पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और दूसरी ही सुबह क्या हुआ, उसकी इच्छा पूरी हो गई, ग्रांटेड मतलब पूरी कर दी गई। बट सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, लेकिन ये क्या हो गया, बट सून लेकिन जल्दी ही, अ गोट एक बकरी, केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, वो आई और उसने सारी ग्रीन लीव्स, सारी हरी पत्तियां खा ली। यही तो होता है, बकरी तो है ही, वो तो हरी पत्तियां तो खाएगी, पहले काटे थे तो खा ही नहीं पाती थी। ओह डियर, अरे अरे, सेड द फर ट्री, अरे ये क्या हुआ, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, काश मेरी सोने की पत्तियां होती तो कितना अच्छा लगता, बकरी भी ना खा पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरी सुबह क्या हो गई, इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी द गोल्ड लीव्स, अगली सुबह जो पेड़ था उसे ही बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, उसने देखा कि उसकी सारी की सारी पत्तियां क्या हो गई, सोने की हो गई, गोल्ड हो गई, है ना, गोल्ड हो गई पूरी। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द
गोल्ड लीव्स, लेकिन अभी भी परेशानी है ना। क्या परेशानी? एक आदमी आया, उसने देखा अरे पेड़ों पर सोने की पत्तियां, और उसने फटाफट 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 तोड़ा और अपने पास लेके भाग गया, चुरा चुरा के भाग गया। तो ये तो बड़ा मुश्किल हुआ। अब हमें आगे ये सोचना पड़ेगा कि कहानी में अब आगे क्या हुआ होगा, तो आप मुझे बताइएगा कि कहानी में आगे क्या हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे कि इसके प्रश्न क्या हैं और हम इसके उत्तर कैसे दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु टुक शेल्टर अंडर फर ट्री। फर ट्री के नीचे किसने शेल्टर ली थी? शेल्टर मतलब आवास, वहां पर शरण, वहां पर आश्रय, वहां पर किसने ली थी? एक राजा ने, अ किंग, राजा ने, अ ट्रैवलर, एक यात्री ने कह सकते हैं, लेकिन अभी और क्लियर आंसर है आगे मैं देख पा रही हूँ। अ मैजिशियन, यस, एक मैजिशियन ने ली थी। अ डॉग, नो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाई डिड नो बर्ड्स मेक नेस्ट इन फर ट्री। उस फर ट्री पर कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी घोंसला क्यों नहीं बनाती थी? तो इसका आंसर भी ढूंढते हैं। बिकॉज इट हैड नो ब्रांचेस, क्योंकि इसकी कोई ब्रांच नहीं थी। ना, ये थोड़ी था, ब्रांच तो थी ही ना। इट वॉज टॉल, तो क्या हुआ, पक्षियों से तो बड़ा टॉल थोड़ी होता है कोई पक्षी, तो और भी ऊपर उड़ जाते हैं। आगे देखते हैं आंसर। इट हैड नीडल लाइक लीव्स, यस, क्योंकि इसकी जो लीव्स थी, इसकी जो पत्तियां थी, वो नुकीली थी, सुई की तरह वो पक्षियों को गड़ जाती थी, इसलिए वो उस पर घोंसला नहीं बनाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाते हैं, व्हाट डिड द मैजिशियन आस्क फर ट्री। मैजिशियन ने फर ट्री से क्या पूछा? ही वुड लाइक टू रिवार्ड इट। आगे देख लेते हैं, इट हैड बीन वेरी काइंड टू हिम, ही विल ग्रांट इट्स विशेज। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। देखो फिर से देखते हैं, ही वुड लाइक टू रिवार्ड इट, उसने कहा कि मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। ये तो सही बात है। इट हैड बीन वेरी काइंड टू हिम, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हुए उसके ऊपर, जो पोएट्री है उसके ऊपर बहुत दयालु हुए, ये बात भी कही थी। ही विल ग्रांट इट्स विशेज, वो उनकी इच्छा को पूरी करेगा, ये भी कही थी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, तो रुकिए अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर तीनों है, तो इसका आंसर सही वाला आंसर ऑल ऑफ देम होगा, कि सारी बातें कही थी मैजिशियन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और 5 पर चलते हैं। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, जो एक ही वर्ड दिया है सरप्राइज्ड, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? तो इसका सिमिलर मीनिंग पहले वाले में ही दिख रहा है, एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड मीन्स भी होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। अनॉयड, परेशान होना, ये नहीं हो सकता। प्लीज्ड, खुश कर देना, ये भी नहीं हो सकता। अलार्म्ड, चकित कर देना, किसी को अलार्म कर देना, एकदम से जागरूक कर देना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है एस्टोनिस्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं फटाफट। द अपोजिट वर्ड ऑफ हैविली, हैविली, हैविली मतलब तेजी से, बहुत तेज, तेजी से का साफ साफ दे रखा है, स्लोली, धीरे धीरे। बहुत जोर की बारिश हुई और बहुत धीरी बारिश हुई, तो इसका आंसर यही स्लोली है। रैपिडली का रैपिड मतलब भी तेज होता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास तो जो पूछा गया है प्रश्न जो है वो है अपोजिट, विलोम, है ना, उल्टा। फैर्सी, फैर्सी का मतलब होता है बड़ी तेज, बड़ी ही भयानक रूप से, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा स्लोली, धीरे से। तो देखा हमने तो ये फटाफट फटाफट कर दिया, और यहाँ पर आपको वोकैबुलरी दे रखी है,
तो वोकैबलरी में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं हैंडफुल। क्या है हैंडफुल का क्या मतलब होता है? देखिए, मुट्ठी भर, हैंडफुल मुट्ठी भर। और प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड इसमें जो रा है ना बच्चों, ये पीछे वाले पर लगेगा, प्रिजर्व्ड, सुरक्षित करना। और ये यहाँ पर वा आधा लगेगा, चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको सुधार लेंगे। प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखना। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी शीट नंबर 10 की पूरी तैयारी। और अब हम किसके विषय में जान चुके हैं? आपको पता है हम किसके विषय में जान चुके हैं? हमें बहुत अच्छे से जानकारी हो गई है वर्ड फॉर्मेशन की। हम वर्ड्स बनाने लग गए हैं, उनको पढ़ने लग गए हैं, उनको लिखने लग गए हैं। तो हम आगे अब कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ प्रस्तुत होंगे शीट क्रमांक 11 में। तब तक के लिए मैं शालिनी कुशवाहा आप सबसे विदा लेती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।